हाँ जी, तो वेलकम है आपका अपने चैनल सावन डिजिटल ज्ञान में। तो दोस्तों, मेरा नाम है सावन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं बहुत दिनों बाद दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पीछे कुछ रीज़न था। एक्चुअली कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर मैंने अपने मोबाइल खो दिया था। तो दोस्तों, इस वजह से मैं अपनी वीडियोज़ को बना नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताया कि मैंने अपने मोबाइल खो दिया था। तो दोस्तों, आज मैंने एक नया मोबाइल परचेस किया है, जहां पर उसके सारी रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ, उसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं, राइट। उसके जितने भी फीचर्स होंगे, जितने भी उसकी कमियाँ होंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उस मोबाइल के बारे में, उस डिवाइस के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो है रियलमी 6 लिया है। आप देख सकते हैं कि ये रियलमी 6 का ये जो बॉक्स है मेरे हाथ पे है। तो दोस्तों, मैंने इसको लगभग 13,000 रुपये में इसको परचेस किया है, जो इसकी एक्चुअल प्राइस है 18,000 रुपये है, राइट। तो मैंने इसको कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के, मेरे फ्रेंड्स ने, और कुछ ऑफर्स भी थे, तो दोस्तों मैंने इसको परचेस किया है, राइट। तो इसी का मैं आज दोस्तों मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ, और इसके बारे में जो भी फीचर्स होंगे, जो भी कमियाँ होंगी, सारी चीज़ें मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली वीडियो होगी जहाँ पर मैं किसी डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए, सारी चीज़ें, जो भी इसकी कमियाँ हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाए, राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं आज रियलमी 6 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है रियलमी 6, जो कि काफ़ी एक येलो कलर के बॉक्स पे है, और ये बॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बॉक्स है, कितनी अच्छी पैकिंग की गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच आ चुका है, तो इससे इसको इग्नोर करिएगा। तो आप देख सकते हैं रियलमी 6 का कितना अच्छा बॉक्स लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि एक चिट लगी हुई है, जहाँ पर इस डिवाइस के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे कैमरे के बारे में बताया गया है कि जिसका कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, जो इसका मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का है। इसके साथ दोस्तों 3 और कैमरे हैं, जिसका जो कि एक 8 मेगापिक्सल का है, एक 2 मेगापिक्सल का है, और एक और जो कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल यानी कि 16 मेगापिक्सल का है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी होगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको इसके कैमरे की क्वालिटी भी बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 17,999 यानी कि ऑलमोस्ट 18,000 जो इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है यहाँ पर शो कर रहा है, राइट। और इसके बारे में दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बैटरी के बारे में भी बताया गया है कि 4300 mAh की इसकी बैटरी होगी। तो बाकी स्क्रीन साइज़ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 16.5 सेंटीमीटर, राइट। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे ये जो बॉक्स है, तो इसको मैं, इसको हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है और क्यों है, कैसे है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको ओपन किया है, और ये देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ पे है ये, इसमें जिसमें इसका कवर है, राइट। तो दोस्तों, ये कवर है, आप देख सकते हैं, इसके साथ ही ये फ्री में आया है, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं, लगभग सभी मोबाइलों पे ये मिलता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास है, हमारे हाथ में है रियलमी 6 का डिवाइस, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी स्मूथ लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये नया है। तो चलिए, मैं आपको इसके बारे में, इसको भी साइड पे रख देता हूँ दोस्तों, इसके बारे में और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए ये कुछ इसके नोट्स हैं, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये जो है डाटा केबल है, और ये जो है चार्जर, जो कि काफ़ी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों को साइड करके मैं आपको मोबाइल के बारे में कुछ इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम इसके चार्जर के बारे में और डाटा केबल के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके जो बैक कैमरा है, इसके 4 बैक कैमरा है, आप देख सकते हैं।
और आप इसकी स्क्रीन देखिए कितना काफ़ी स्मूथ लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों ये ब्लू कॉमेट कलर है। इसके ओनली आपको मिलेंगे सिर्फ दो ही कलर आपको मिल पाएंगे, एक जो है वाइट कॉमेट और ये है ब्लू कॉमेट। दोस्तों मुझे भी वाइट कॉमेट लेना था, बट ऑर्डर करते समय दोस्तों कुछ मिस्टेक की वजह से मैं ब्लू कॉमेट ऑर्डर कर पाया। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिवाइस है मैंने खुद परचेस किया है, मुझे किसी कंपनी ने इसको सेंड नहीं किया है इसका रिव्यू करने के लिए, राइट। तो दोस्तों इसलिए मैं इसका पूरा ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसको चलिए मैं ओपन करता हूँ। इसका यहाँ पे एक फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे है, और इसके फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोस्तों चार इसके चार कैमरे हैं। जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्मूथ है काफ़ी, आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये ओपन हो रहा है, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। सकते हैं कि ओपन हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैंने ऑलरेडी पहले इसको ओपन करके मैंने इसको देख लिया है, इसको यूज़ करके मैंने इसमें अपना पासवर्ड वगैरह इसको सेट कर लिया है। तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि इसके बैक पे कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट का आपका लॉक नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इस मोबाइल पे आप गेस करिए कि कहाँ पे हो सकते हैं, राइट, कहाँ पे आपका जो फिंगरप्रिंट होगा। तो आपको चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये जो फिंगरप्रिंट है आपको यहाँ पे साइड पे मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो फिंगरप्रिंट है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अभी ओपन किया, जिसको मुझे पासवर्ड करके ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको लॉक कर दिया। अब इसको मैं अपने फिंगर से इसको ओपन करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने जब किया, आप देखिए कि जब मैंने इसको ओपन किया तो ये, तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। अभी मैंने इसको डाटा ऑन कर रखा है, इसमें सारी चीज़ें मैं कर रखा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इसका स्क्रीन साइज़ काफ़ी है, काफ़ी अच्छा है, 16.5 सेंटीमीटर का इसका स्क्रीन साइज़ है, राइट। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सी टाइप इसका चार्जर जो है सी टाइप है। यहाँ पे एयरफोन का जो है पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे माइक से देखिए आप देख सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों मैं इसके सेटिंग पे चलता हूँ। तो सेटिंग में चलिए दोस्तों, आपको दोस्तों हम आ चुके हैं सेटिंग पर। तो आप देख सकते हैं कि सेम फीचर आपको मिल सकता है, यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अबाउट फ़ोन पे चल के बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिवाइस नेम है Realme 6, जैसा कि आप सभी को पता है। इसका जो वर्जन है बेस बैंड एंड कर्नल है Realme UI वर्जन V1.0, राइट। एंड्रॉयड वर्जन 10 है दोस्तों। प्रोसेसर जो है इसका ऑक्टा कोर है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। रैम 6 GB है, और इसकी जो डिवाइस स्टोरेज है दोस्तों 64 GB, यानी कि 6 and 64, 6 GB रैम और 64 GB जो इसका स्टोरेज है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसमें डबल सिम आपको मिल जाएगी, और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए मैं आपको अब इसका जो है साउंड क्वालिटी और इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ, राइट। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब ओपन करके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी, तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसे पूरा स्क्रीन आपको फुल स्क्रीन यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसको जूम और जूम आउट कर सकते हैं, राइट। इसकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं, राइट, चलिए दोस्तों अब ये हो गया कि हमारी क्वालिटी। और इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो, आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, राइट। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और इसके इसके बाद आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे, कि मैंने इसको एक बार पूरा 0% जो है इसको, इसकी बैटरी मैंने लो करके उसके बाद मैंने इसको चार्ज किया। तो दोस्तों ये आपको जो चार्जर है यहाँ पर जो ये है चार्जर, ये आपको लगभग
आपके एक घंटे के अंदर अंदर 100% ये आपका चार्ज कर लेगा। काफ़ी क्वालिटी और काफ़ी तेज़ चार्ज करता है आपके मोबाइल को, ये चार्ज करेगा राइट। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, अगर आप भी ये दिवाली के इस ऑफ़र में आप इसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आपको हो सकता है कि आप कुछ डिस्काउंट मिल जाए। तो काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों, और एक तो आपको बताना चाहूँगा जो इसकी कमियाँ हैं, तो ये कमियाँ नहीं कहेंगे दोस्तों, जो है ये अन्य सेट की तुलना में थोड़ा सा मोटा सेट है, आप देख सकते हैं। स्क्रीन साइज़ आपको 16.5 सेंटीमीटर मिल जाएगी, थोड़ा सा मोटा सेट है, बाकी काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं उसके इस कैमरे के बारे में उसका कैमरा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्वालिटी वाला कैमरा है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा राइट। आज के डेट पे लगभग सभी को कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी उनको मोबाइल पसंद आता है राइट। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इसको आप नाइट मोड पर भी आप देख सकते हैं, आप इसकी वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों। इसको अगर हम वीडियो बनाते हैं तो जैसे कि मैं YouTube अपनी जो भी वीडियोस हैं मैं मोबाइल के थ्रू ही बनाता हूँ दोस्तों, तो ये मोबाइल जो मुझे बहुत हेल्प करने वाली है। ये जो डिवाइस है अन्य जो डिवाइस की तुलना में थोड़ा सा मोटा है, आप देख सकते हैं कि अन्य डिवाइस की तुलना में थोड़ा सा मोटा है, बाकी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ चलता है दोस्तों। तो आप अगर सोच रहे हैं दिवाली पे आप मोबाइल लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है राइट, आपके बजट पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, इसको परचेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आपको कुछ ऑफ़र्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप इस मोबाइल को परचेस कर सकते हैं राइट। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा पहला रिव्यू का जो है अनबॉक्सिंग का वीडियो था, तो आई होप आपको पसंद आई होगी, मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें इसके बारे में बताया होगा। तो चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको भी मोबाइल लेना है, जो लोग सोच रहे हैं कि वो दिवाली पे कोई अच्छा सा मोबाइल सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं राइट। तो और बाकी इस चैनल के साथ क्या करना है वो आप देख सकते हैं खुद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद जय भारत।